Simplement conserver ses poids. वेलकम डियर रॉकर्ट्स, आज हम लेकर आए हैं एक अलग किस्म की मूवी, द लॉयन वुमेन। मूवी की शुरुआत में गत्सब नाम का आदमी एक कमरे के बाहर बहुत ही टेंशन में इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि अंदर उसकी पत्नी रूथ की डिलीवरी हो रही है, बच्ची पैदा होती है। तो डॉक्टर और नर्स उसको देखकर बहुत चौंक जाते हैं। कुछ ही देर में रूथ मर जाती है और गत्सब अंदर आता है। बच्चे को देखकर गत्सब डॉक्टर से पूछता है, इस हालत में ये कितने दिन जिंदा रहेगी। डॉक्टर कहता है कि ये प्रीमैच्योर बच्ची है, लेकिन इसकी जान को कोई खतरा नहीं है। नर्स ये भी कहती है कि इसके बाल जल्दी झड़ जाएंगे, लेकिन गत्सब एकदम मायूस होकर कहता है, ये इंसान नहीं किसी मॉन्स्टर की बच्ची लगती है, मुझे ये बच्ची नहीं चाहिए, आप इसे कहीं और लेके चले जाइए। तभी नर्स मिसेस बर्गरसन कुछ दिनों के लिए बच्ची की देखभाल करने को तैयार हो जाती है और गत्सब भी मान जाता है। अब रूथ के फ्यूनरल में सभी गत्सब से पूछते हैं कि तुम अपनी बच्ची कब दिखा रहे हो और तुम अपनी बच्ची का नाम क्या रखने वाले हो, लेकिन गत्सब नाम रखने के मूड में बिल्कुल नहीं होता। तभी किसी के सुझाव पर वो बच्ची का नाम इवा रख लेता है। फ्यूनरल में तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि बच्ची में लगता है कोई खोट है, तभी वो उसको छुपा कर रख रहा है। घर पर मिसेस बर्गरसन इवा का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है और अब बच्ची का जरा क्लोजअप में दिखाते हैं तो पता चलता है कि गत्सब इतना परेशान क्यों है। बच्ची के शरीर में इतने ज्यादा बाल हैं कि वो इंसान नहीं लगती। गत्सब डॉक्टर से पूछता है कि इवा के शरीर के बाल कब जाएंगे, लेकिन डॉक्टर्स के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। फिर वो इवा के लिए एक फुल टाइम केयर टेकर अरेंज करते हैं, जिसका नाम हना है। वो सिर्फ 17 साल की है और एक आदमी उसको धोखा देकर भाग गया है, इस वजह से उसके पेरेंट्स ने भी उसको घर से निकाल दिया। अब इस सिचुएशन में उसे इवा को संभालने का काम दिया जाता है और गत्सब के घर में उसको एक कमरा भी दिया जाता है। तब मिस बर्गरसन इवा को लेके आती है और उसको देखते ही हना एकदम कंफ्यूज हो जाती है। मिस बर्गरसन कहती है कि ये बच्ची जैसी भी है, तुम्हें इसका अच्छे से ख्याल रखना है, ये कहकर वो चली जाती है। कुछ देर बाद एक आदमी आकर पूछता है कि स्टेशन मास्टर गत्सब कहां पर है। हना बताती है कि वो लाइन इंस्पेक्शन करने गए हैं। तभी बच्ची को देखकर वो आदमी भी चौंक जाता है और जाते जाते एक प्रेस रिपोर्टर को इवा के बारे में बताने भी लगता है कि बच्ची का चेहरा बालों से भरा हुआ है। फिर क्या था, रिपोर्टर अपने पेपर में छाप देता है कि टाउन में एक अजूबा पैदा हुआ है। अब न्यूज पढ़कर गत्सब और परेशान हो जाता है, क्योंकि अब लोग उसके सामने ही इवा के बारे में अजीब बातें करने लगते हैं। वो घर आकर हना को डांटता है कि बच्ची को हाथ में लेकर उस आदमी से मिलने की क्या जरूरत थी। अब लोग इवा को देखने गत्सब के घर के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं। हना गत्सब को बताती है कि इवा को ताजा हवा की जरूरत है, इस तरह अंदर पड़े रहने से वो ना तो ठीक से दूध पी पाती है और बहुत ही कमजोर भी हो गई है। इस पर गत्सब उसे परमिशन तो दे देता है, लेकिन कहता है कि तुम उसी वक्त इवा को बाहर लेके जाओगी जब सड़क पर कोई नहीं होगा और भीड़भाड़ वाली जगह से तो हमेशा उसे दूर रखना, वरना लोग उसका तमाशा बनाकर रख देंगे। हना बताती है कि आज इवा मुस्कुराई थी और आप इसे अपनी गोद में लेंगे तो वो और मुस्कुराएगी, लेकिन ना, वो साफ इनकार कर देता है। कुछ दिनों बाद गत्सब को हेल्थ बोर्ड का लेटर मिलता है जिसमें इवा की हेल्थ कंडीशन का पता चल चुका है और वे इवा को एग्जामिन करना चाहते हैं। लेटर में लिखा होता है कि इस तरह की हेल्थ कंडीशन पिछले 400 साल में बहुत ही गिनी चुनी लोगों में हुई है। अब अगले दिन डॉक्टर स्ट्रम आता है, जो इवा को देखकर दंग रह जाता है कि ये क्या चीज है। गत्सब पूछता है कि इस कंडीशन का कोई इलाज बताइए सर, पर डॉक्टर स्ट्रम कहता है कि इसका कोई इलाज नहीं है और ये पूरी जिंदगी ऐसी रहेगी। फिर इवा की एक फोटो ली जाती है। इस तरह समय बीतता है और 1919 में इवा 7 साल की हो गई होती है, लेकिन अब भी वो घर में बंद है और बाहर मजे से खेलते हुए बच्चों को देख रही होती है। वो अपनी माँ का फोन देखती है और सोचती है, मैं अपनी माँ से कितनी अलग दिखती हूँ। फिर वो बाहर एक एयरशिप को देखती है, लेकिन गत्सब उसे बाहर झांकते हुए देखता है और पनिशमेंट के तौर पर उसे अलमारी के अंदर बंद कर देता है। अब अगले सीन में हना और इवा बातें करते हुए क्रिसमस ट्री को डेकोरेट कर रहे होते हैं, लेकिन गत्सब आकर दोनों को चुप करा देता है। फिर गत्सब अपनी पत्नी की कब्र पर जाता है और यहाँ इवा अकेली होती है और अपनी माँ के बारे में बहुत सोच रही होती है। रात को डिनर करते वक्त इवा अपने पिता से कहती है, मैं क्रिसमस ट्री पार्टी में जाना चाहती हूँ, लेकिन गत्सब साफ मना कर देता है। जब हना वापस आती है तो वो गत्सब को कन्विंस कर लेती है कि उन्हें इवा को पार्टी में ले जाना चाहिए। फिर दोनों इवा के लिए कुछ शूज, सिल्वर बकल्स और कपड़े लेने जाते हैं। फिर इवा के लिए एक खूबसूरत रेड ड्रेस बनवाई जाती है जिसमें इवा बहुत ही क्यूट लगती है। हना कहती है, तुम तो बिल्कुल प्रिंसेस लग रही हो, और तब पहली बार इवा स्माइल करती है। तीनों मिलकर पार्टी में जाते हैं। इवा को पहली बार देखकर सभी हैरान होते हैं, लेकिन सब कुछ ठीक चल रहा होता है। सभी बच्चे उससे फ्रेंडली तरीके से बात करते हैं। फिर एक मैजिक शो होता है और इवा दूसरे बच्चों के बीच जाकर बैठ जाती है। तभी मैजिशियन उसके पास आता है और उसका मजाक उड़ाने लग जाता है, लेकिन इवा भी कम नहीं, वो उसकी पोल खोल देती है और कहती है, ये जादूगर नहीं, फ्रॉड है, ये बैग के अंदर से अंडे नहीं बल्कि पत्थर निकाल रहा है। ये कहकर वो मैजिशियन पर उसी का पत्थर फेंक देती है। इसके बाद गत्सब इवा और हना को लेकर घर लौट आता है। अब इवा फिर से घर में बंद पड़ी है और एकदम चिढ़ जाती है और चीजें तोड़ने लगती है।
और फिर हमेशा की तरह गत्सव उसे अलमारी में बंद कर देता है। तभी इवा को अलमारी के अंदर मैथ्स के कुछ इक्वेशन नजर आते हैं। अगले दिन गत्सव कुछ खूबसूरत स्केचेस बना रहा होता है और इवा उसको अपना एक पोर्ट्रेट बनाने को कहती है, लेकिन वो कहता है मेरे पास टाइम नहीं है। तभी इवा खिड़की से एक आदमी को देखती है जो ट्रेन स्टेशन में काम कर रहा होता है। इसका नाम स्पार्की है। एक दिन तो इवा हिम्मत करके स्पार्की से बात कर ही लेती है और उसको एक ट्रेन की पिक्चर देती है जो उसने खुद बनाई थी। इवा पूछती है आपका नाम स्पार्की क्यों है, तो स्पार्की कहता है मेरे बाल चिंगारी की तरह चमकते हैं इसीलिए। इस तरह दोनों की दोस्ती हो जाती है और स्पार्की इवा को मोर्स कोड सिखाता है। लेकिन जैसे ही गत्सव उस तरफ आता है तो इवा छुप जाती है। फिर स्पार्की इवा को एक लेटर भेजता है जिसमें मोर्स कोड अल्फाबेट होते हैं। धीरे धीरे इवा मोर्स कोड सीखने लगती है। अब अगले सीन में गत्सव अपने फ्रेंड्स के साथ डिनर कर रहा होता है, लेकिन पीछे से इवा टेबल पर अपना मोर्स कोड प्रैक्टिस कर रही होती है। वो बताती है कि मैं टेलीग्राफ ऑपरेटर बनना चाहती हूँ। जब गत्सव के फ्रेंड्स चले जाते हैं तो वो इवा को अलमारी में बंद कर देता है। अब इस बात से हना बहुत ही गुस्सा हो जाती है और गत्सव से बहस करती है कि इस तरह बच्ची को अलमारी में बंद करते रहने से क्या मतलब, वो इंसान है न कि कोई खिलौना जिसे जब चाहे तुम अलमारी में बंद कर दो। क्या उसकी फीलिंग्स की आपको कोई फिक्र नहीं है, उसे बाहर आने दीजिए वरना मैं यहाँ से चली जाऊंगी। पर गत्सव तो अपनी जिद पर अड़ा ही रहता है। अब तंग आकर हना अपनी चीजें पैक करके वहाँ से चली जाती है। अब गत्सव को इवा की देखभाल खुद ही करनी पड़ती है। इवा हना के बारे में पूछती है लेकिन गत्सव उसको इग्नोर ही कर देता है। एक बार तो गत्सव इवा को बाल शेप करते हुए देख लेता है और उसको डांटता है। वो रियलाइज करता है कि इवा को वो हैंडल नहीं कर सकता। फिर कोई और रास्ता न पाकर वो हना को दोबारा वापस बुलाता है और प्रॉमिस करता है कि तुम यहाँ पर रहो और तुम जो कहोगी मैं वैसे करूंगा, मैं इवा को बाहर जाने के लिए भी हाँ कर दूंगा। इसके बाद इवा टेलीग्राफ ऑपरेटर बनने की ट्रेनिंग लेती है और स्पार्की इवा को टेलीग्राफ के जरिए मैसेजेस भेजता है और बाहर से उसे सैल्यूट भी करता है। उनकी अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी होती है। इवा उसे मैसेज करके पूछती है मेरे पिता मुझे स्कूल नहीं भेज रहे हैं, क्या ये लीगल है। लेकिन गत्सव वो मैसेज देख लेता है और हना भी कहती है कि आप इवा को स्कूल जाने दीजिए। गत्सव ना नहीं कर पाता और इस तरह इवा पहली बार स्कूल जाती है। लेकिन गत्सव इवा और हना से मुंह छुपाकर न्यूज़पेपर पढ़ने लगता है। इवा सचमुच लकी है कि उसे हना जैसी केयरटेकर मिली। स्कूल में दिखाते हैं तो बच्चे अल्फाबेट सीखते हैं, लेकिन इवा को अलग बिठा जाता है। बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं और कुछ शैतान तो बेचारे के बाल भी उखाड़ लेते हैं। लेकिन घर पर इवा गत्सव को बताती है कि स्कूल में सब कुछ ठीक रहा। फिर 1926 में इवा को दिखाते हैं जो अभी भी अकेली है और घर के अंदर बंद रहती है। उसने स्कूल जाना बंद कर दिया है और अकेली बैठकर वो किताबें पढ़ती रहती है। गत्सव को इवा की टीचर का एक लेटर मिलता है कि इवा कई दिन से स्कूल नहीं आई और जब गत्सव इवा से पूछता है तो वो ठीक से जवाब नहीं दे पाती। फिर वो बताता है कि डॉक्टर स्ट्रम का एक लेटर आया है जिसमें लिखा है कि कोफेनहेगन में एक कॉन्फ्रेंस होने वाली है जहां दुनिया भर से साइंटिस्ट और डॉक्टर आएंगे। वहां इवा को इनवाइट किया गया है ताकि वे इसको एग्जामिन करके ठीक कर सके। ये सुनकर इवा बहुत ही खुश होती है। फिर इवा और गत्सव उस कॉन्फ्रेंस के लिए निकल पड़ते हैं। ट्रेन में बाप बेटी के बीच का तनाव जरा कम हो जाता है और दोनों अपने दिल की बातें शेयर करते हैं। कोफेनहेगन पहुंचकर वे एक बड़े होटल में चेक इन करते हैं और दोनों बड़े खुश नजर आते हैं। लेकिन कॉन्फ्रेंस में गत्सव को अलाउ ही नहीं किया जाता। वहां रिपोर्टर्स लगातार इवा की फोटोज खींचने लगते हैं। वो बहुत ही अजीब फील करती है कि ये क्या बदतमीजी कर रहे हैं, लगता है ये कोई हॉस्पिटल है। वहाँ इवा एक अजीब दिखने वाले आदमी से मिलती है जिसकी आवाज कुछ ज्यादा ही मीठी होती है। उसका नाम एंड्री है और वो इवा को अपने कमरे में इनवाइट करता है। वो इवा से कहता है तुम हमारा ट्रेवलिंग ग्रुप ज्वाइन कर लो। फिर वो इवा को ड्रिंक ऑफर करता है पर अचानक इवा को उल्टी आ जाती है और वो अपने कमरे में आकर सोई जाती है। लेकिन कुछ देर बाद कॉरिडोर में किसी की आहट सुनाई देती है। अगले सीन में जो दिखाते हैं उससे लगता है कि ये कॉन्फ्रेंस नहीं बल्कि कुछ और ही होने वाला है। इवा को एक स्टेज पर खड़ा किया जाता है और एक आदमी तो लकड़ी से इवा के शरीर को घोंपता है जैसे कि वो इंसान नहीं कोई जानवर हो। और ऑडियंस में बैठे हुए अजीब आदमी इस शर्मनाक हरकत को तमाशे की तरह देख रहे होते हैं। ये लोग किसी भी एंगल से साइंटिस्ट और डॉक्टर नहीं लगते। जैसा कि काफी नहीं था वे ऊपर आकर उसके शरीर से बाल के सैंपल काटने लगते हैं। अब इवा इनकी अजीब और अश्लील हरकतें सह नहीं पाती और बेहोशी हो जाती है। जब गत्सव को इन्फॉर्म किया जाता है तो वो इनको ताना मारकर इवा को वहां से लेके जाता है। लेकिन इवा गत्सव से एक शब्द भी नहीं कह पाती कि कॉन्फ्रेंस के नाम पर उसके साथ क्या किया गया। अपने टाउन में लौटने पर वो किसी से बात नहीं करती और सीधे अपने कमरे में जाती है। वो बर्दाश्त की हद पार कर चुकी होती है और अब उसे अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आता है कि मुझे पैदा ही क्यों किया। इसके बाद वो स्कूल जाना एकदम बंद कर देती है। अगले सीन में झील के पास वो एक लड़के से मिलती है जो उससे बहुत अच्छे से व्यवहार करता है, जो झील में कूद कर स्विम करने लगता है और इवा को भी बुलाता है। वो भी कूद पड़ती है लेकिन वो स्विमिंग नहीं कर पाती। वो लड़का उसको बाहर लेके आता है और कहता है अगर स्विमिंग नहीं जानती थी तो पानी में क्यों कूद गई, फिर भी तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। दूसरी ओर गत्सव स्पार्की पर झूठा इल्जाम लगाता है कि उसने ऑफिस में रखे हुए कुछ पैसे चुराए हैं। स्पार्की गुस्से में कहता है कि पैसे तो मैंने नहीं चुराए लेकिन मैं जानता हूँ
आप ये नाटक इसलिए कर रहे हैं ताकि मैं ईवा से कभी ना मिलूं। मैं ईवा को पढ़ाना चाहता हूं, लेकिन आप उसकी लाइफ बिगाड़ने पे तुले हुए हैं, तो मैं क्या कर सकता हूं? वहाँ ईवा अपने नए दोस्त के साथ बातें करने लगती है तो पता चलता है कि ईवा गणित बहुत अच्छा कर लेती है। वो लड़का उसको सहलाता है और ईवा भी उसको सहलाती है, लेकिन अचानक ईवा अजीब सा फील करती है और तुरंत वहां से चली जाती है। फिर गजब अपनी बेटी को एक हेल्थ रिजॉर्ट में लेके जाता है और दोनों एक साथ अच्छा वक्त गुजारते हैं। तभी दूर एक औरत बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स बना रही होती है। कुछ देर बाद ईवा अकेले पानी में जाती है और उस औरत से मिलती है। हैरानी की बात तो यह है कि उसका नाम भी ईवा है। दोनों आपस में घुल मिल जाती हैं और अपनी कई बातें शेयर भी करती हैं। उस औरत के साथ मिलकर ईवा का दिल बहुत हल्का हो जाता है और फिर वो गत्सव के साथ घर लौट आती है। बाद में उसका नया दोस्त जो झील के पास मिला था वो किसी और लड़की के साथ होता है और ये देखकर वो बहुत दुखी होती है और तुरंत घर लौट आती है। लेकिन तब पता चलता है कि स्पार्की टाउन छोड़कर जा रहा है। ईवा गत्सव पर चिल्लाती है कि आपने स्पार्की पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे क्यों भेज दिया? आखिरकार आप चाहते क्या है? ईवा स्टेशन जाकर स्पार्की को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। स्पार्की चला जाता है। इस तरह बार बार ईवा का दिल टूटता रहता है। अब ईवा का बर्थडे आने वाला है और गत्सव उसको एक वैरायटी शो में लेके जाता है। तभी शो का होस्ट आकर कहता है कि इस शो में आप अजीब इंसानों को देखेंगे। फिर एक जॉइंट ट्विंस को दिखाते हैं जो कई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाती हैं। फिर एक बहुत ही लंबा आदमी आता है और उसके बाद एक लड़की आती है जिसका शरीर बालों से ढका हुआ होता है। गत्सव बहुत ही गिल्टी फील करता है कि वो अपनी बेटी को इस घटिया शो में लेकर आया, लेकिन लगता है ईवा इसको एंजॉय कर रही है। अब शो के बाद होस्ट गत्सव से मिलता है और कहता है कि आपकी बेटी भी हमारे शो में भाग ले सकती है। गत्सव उसे गाली देकर बाहर निकाल देता है, लेकिन ईवा उस शो के होस्ट से मिलती है और कहती है मैं आपके ग्रुप को ज्वाइन करना चाहती हूँ। फिर ईवा उस लड़की से मिलती है जिसके शरीर पर बहुत ज्यादा बाल होते हैं। अब घर पर हना को ईवा का एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है थैंक यू। हना ईवा को ढूंढती है, लेकिन वो वैरायटी शो ग्रुप के साथ निकल चुकी थी। हना दुखी होकर गत्सव को खबर करती है, पर वहाँ ईवा अपने नए साथियों के साथ बहुत ही खुश नजर आती है और उसे नई नई जगहों पर जाकर परफॉर्म करने का मौका भी मिल रहा होता है। इतना ही नहीं, वो अच्छा कमा भी लेती है, पर उसे ये पसंद नहीं होता कि लोग उसे एक अजीब चीज की तरह देखते हैं। और फिर कुछ समय बाद वो इस ग्रुप को छोड़ने का फैसला करती है और अपने कमाई से वो मैथ्स पढ़ने लगती है। साल 1936 में दिखाते हैं कि ईवा पेरिस की एक यूनिवर्सिटी में मैथ्स की प्रोफेसर है। गत्सव ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसकी बेटी लाइफ में इतना आगे बढ़ेगी। वो बहुत ही बढ़िया फ्रेंच भी बोल लेती है और दुनिया भर के मैथमेटिशियन की कॉन्फ्रेंस में एक शानदार स्पीच देती है। और फिर काफी समय बाद वो वापस अपने टाउन में लौटती है तो हना उसको गले लगा लेती है और कहती है तुम पहले की तरह अभी भी बहुत खूबसूरत लग रही हो, लेकिन बदकिस्मती से तुम्हारे पिता तुम्हें तरक्की करते हुए नहीं देख पाए। दरअसल गत्सव मर चुका है और ईवा उसका फ्यूनरल अटेंड करने आई होती है। फ्यूनरल के बाद ईवा हना को अलविदा कहकर वापस पेरिस के लिए निकलती है। ट्रेन में वो एक फाइल खोलती है जो हना ने उसको दी थी और कहा होता है कि तुम्हारे पापा ये फाइल तुमको देना चाहते थे। उसमें ईवा का एक पोर्ट्रेट और कुछ पिक्चर्स होते हैं जो गत्सव ने बनाए थे। आखिर में ईवा की माँ का एक स्केच होता है जिसमें वो ईवा को हाथ में लिए स्माइल कर रही है। अपने पिता का गिफ्ट देखकर ईवा की आंखें भर आती है। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपनी फैमिली एंड फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कीजिए। बाकी दोस्तों मिलते हैं अगली ऐसी मजेदार मूवीज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।